वैलेंडो वाले ऑप्शन। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग ट्रिपल आइटिस के बारे में, इनकी स्पॉट नोट की कटअप बताएंगे, मतलब सी सैप की कटअप बता रहा हूँ, जितनी ट्रिपल आइटिस सबको कवर करेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने टॉप 12 ट्रिपल आईटी के बारे में बात की थी, अब इसके अंदर जितनी ट्रिपल आईटी बस सबके बारे में बात करेंगे। तो इनकी कटअप काफी हाई तक गई है, और जितनी कटअप गई ना, इससे ज्यादा यार कटअप नहीं जा सकती ट्रिपल आईटी के लेवल की बात करो, सबसे कटअप काफी ज्यादा हाई गई है स्पॉट नोट के अंदर। तो आपको इतने के अंदर हो रहा है एडमिशन, तो मतलब यहीं तक आपको होगा। अगर मान के चलो किसी की 75-80,000 तक रैंक जा रही है, तो मैक्सिमम इस साल आप ये मान सकते हो कि 95-1 लाख उससे ज्यादा नहीं जाने वाले, अगर 80,000 रैंक भी जा रही है। जनरल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ तो इतनी कटअप जाती है, इतना वेरिएशन नहीं आता। और एक चीज मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि स्पोर्ट राउंड के अंदर जो भी होता है ना हमारा, वो सिर्फ CRL चलता है, कैटेगरी कटअप नहीं चलती, सिर्फ CRL चलता है। तो कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, सिर्फ आपको CRL देखना है, कैटेगरी रैंक नहीं देखना है। स्पोर्ट राउंड की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी जोसा के अंदर जो होता था सी, उसके अंदर चलता था कैटेगरी रैंक, सी सैप में नहीं चलता। सी सैप में आपकी सिर्फ CRL चलती है। और फर्स्ट पार्ट मैंने पहले बना रखा था, और जो इस पार्ट के अंदर कोई यार कोई रैंकिंग दे रखी मैंने कि कोई तुम समझो कि पहले मैंने इस कॉलेज को बोल दिया फिर इसको बोला को बोल दिया, ऐसा नहीं है। इसके अंदर रैंकिंग अरेंज वे में नहीं है, पहले अरेंज वे में कर दी थी, क्योंकि सारे ट्रिपल आई टी ऑब्वियसली बात है नए ट्रिपल आई टी से, तो इनकी रैंकिंग करना मुश्किल है काफ़ी, कि नए ट्रिपल आई टी आए सब एक साल ही आए ऑलमोस्ट। काफ़ी ट्रिपल आई टी है जिनके बैच भी अभी तक नहीं निकले, इस साल निकलेगा बैच या अगले साल निकलेंगे, 5-6 ट्रिपल आई टी ऐसी भी है। तो फिर यार उनकी रैंकिंग कैसे कर सकते, किस बेसिस पे कर सकते, कुछ फैक्टर्स भी तो होने चाहिए। तो इन सब की रैंकिंग नहीं कर सकते आप, 5-6 की मैं रैंकिंग कर देता मगर फिर फायदा नहीं होता। अगर मैं कुछ की रैंकिंग करता फिर नहीं करता तो लोग कन्फ्यूज होते, इसलिए मैंने रैंकिंग नहीं कर रखी। कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, सिर्फ ट्रिपल आई टीज के अंदर कटअप के होगा, या जिसकी ऑब्वियसली बात है कटअप हाई जा रही है उसकी रैंकिंग भी अच्छी होगी, समझ लो, माइंड में डाल लो बात। क्योंकि ट्रिपल आई टी के अंदर होम स्टेट नहीं होता, ऑल ओवर इंडिया सिस्टम चलता है, मतलब हर स्टेट का। अगर मैं इधर बैठा हूँ दिल्ली का, दिल्ली में बैठा हुआ एक बंदा यूपी में बैठा हुआ है, एक बंदा बिहार में बैठा हुआ है, तो तीनों के लिए सेम कटअप जाएगी ट्रिपल आई टी कर्नाटका के लिए, कोई वेरिएशन नहीं आएगा। वही ट्रिपल आई टी कर्नाटका की, ट्रिपल आई टी कोटा की, ट्रिपल आई टी सिटी किसी की भी बात करो, सबकी कटअप ऑलमोस्ट सेम जाएगी, कुछ वेरिएशन नहीं आएगा। मतलब जिसके अंदर लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है जिसकी कटअप हाई जा रही है ट्रिपल आई टी अच्छा ही आप मान सकते हो आराम से, आपको एक अच्छा एनालिसिस मिल जाएगा। कि मैं रैंकिंग नहीं भी बता रहा तो भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और ये बता देता हूँ इससे कम नहीं ज़्यादा ट्रिपल आईटी के अंदर जो कटअप जा रही है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा कटअप है, क्योंकि इनकी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी होती है एनआईटी से कंपेयर के बात करें, फैकल्टी काफ़ी अच्छी होती है एनआईटी से कंपेयर करोगे तो, और रिसर्च के मामले में एनआईटी से अच्छी होती है ट्रिपल आईटी। तो तीन चीज़ों के कारण इसलिए लोग ट्रिपल आईटी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इतनी कटअप भी जा रही है ना, बहुत ज़्यादा यार ट्रिपल आईटी के लेवल की बात कर रहे हैं। नए ट्रिपल आईटी जितने भी ट्रिपल आईटी अभी नए भी आए थे तो भी उनकी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी गई है। तो आप ये सब टेंशन वाली बात नहीं की यार नया ट्रिपल आईटी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ट्रिपल आईटीज है भाई, ब्रांड वैल्यू भी है, उसको चल जाता है काम, ठीक है। उनकी फैकल्टी इतनी अच्छी है, उनकी रिसर्च इतनी अच्छी होती है ना, प्लेसमेंट वगैरह आराम से हो जाता है, जिसको प्लेसमेंट की टेंशन होती है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ट्रिपल आईटीज की कटअप वगैरह जान लेते हैं। तो ये सेकंड पार्ट डिस्कस कर ही लेते हैं, सेकंड पार्ट था हमारा। फर्स्ट पार्ट आपको बना रखा है टॉप 12 के अंदर, वो देख सकते हैं उसको रैंकिंग वाइज कर रखी है, मगर जो अब इसके अंदर है उनकी रैंकिंग ऑर्डर में नहीं है। एक रफ है कि आए 2-3 कॉलेज के अंदर ऊपर नीचे कर सकते हो, मगर रैंकिंग इसमें कोई ऑर्डर में नहीं है, तो रैंक मत समझ लेना। पहले वाले पार्ट में रैंकिंग थी, इसके अंदर रैंकिंग नहीं गई है। और ये हमारी यार मेंटरशिप प्रोग्राम का, अगर आप हमसे बात करना चाहते हो तो ये सब प्राइसेस है, आप वो कर सकते हो। इसके लिए भी आपको नीचे पेड 2020 फॉर्म है, जो आपको काउंसलिंग फॉर्म पेड काउंसलिंग का, उसमें फिल कर देना, हम आपको कॉल कर लेंगे। और बाकी हमारी पेड काउंसलिंग चल रही है, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी हो रहा है, चॉइस फिलिंग भी हो रही है, तो आप ये कर सकते हो। तो पेड काउंसलिंग की जो आपको करनी है, तो इसके अंदर क्या है, आपको अप्रॉक्सीमेटली 1K के अंदर सारी चीज़ें मिल जाएगी, जूसा सी सैप प्राइवेट कॉलेज हर चीज़ मिल जाएगा। और इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 27 सितंबर, और पेमेंट की डेट है वो 28 सितंबर है। अब बात कर लेते हैं अपने कॉलेजेस की। ट्रिपल आईटी सिटी यार इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, और इसकी वीडियो देखनी जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी, इसकी पॉजिटिव प्लस नेगेटिव पॉइंट मैंने बताया था, नेगेटिव पॉइंट भी देख लेना है। इसमें एडमिशन से पहले ट्रिपल आईटी की प्लेलिस्ट जाके देख लो, सारे ट्रिपल आईटीज के ऊपर कवर कर रखा है मैंने, 60% ट्रिपल आईटीज के ऊपर वीडियोस बन रखी है। और एनआईटीज की भी बात करूँ तो 70% एनआईटीज के ऊपर, 70-75% एनआईटीज के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, वो वीडियो भी जाके देख लेना। 2013 का कॉलेज स्पोर्ट राउंड की बात करें यार, CSE में 30K तक गई थी, और जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि स्पोर्ट राउंड में क्या होता हमारा, तो स्पोर्ट राउंड होता है CSAP की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा CRL जो कॉमन रैंक लिस्ट है उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं, कैटेगरी को नहीं करते, कैटेगरी वाले को नहीं किया जाता इसके अंदर, CRL को ही इसमें कंसीडर किया जाता है इस कॉलेज के अंदर।
चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस, इन सब की जो भी रैंक दिखा रहा है ना आपको, इसी आरएल रैंक है, सिर्फ और सिर्फ सीआरएल है, चाहे कोई सी भी ब्रांच की बात करो, इन सब हर कैटेगरी की आपको सीआरएल मिलेगी। तो इसके अंदर ये था कि एसटी वालों को 2.7 लाख तक हो रहा था, ओबीसी वालों को 41K या 53K तक हो रहा था, और 40K के अराउंड इसकी ईसी की गई थी कट ऑफ। ठीक है, हम बात कर लेते हैं IIIT कोटा की, बात कर लेते हैं, 2013 कॉलेज है ये, और इसकी भी यार 36K के अराउंड गई है ईसी की, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 45K के अराउंड गई है यार। ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन आपकी इंक्रीज हुई है, और स्टूडेंट भी इसके अंदर इंक्रीज हुए, तो कॉम्पिटिशन इसके अंदर इंक्रीज हुआ ओवरऑल। तो ये लास्ट इसकी हमारी कैटेगरी रैंक 5K जाती, तो इस बार आप मान सकते हो 7K 8K तक आपकी इसके अंदर जाएगी आराम से, क्योंकि क्या होता है इसके अंदर 8 लाख तक की जो होते हैं ना फैमिली इनकम उसके स्टूडेंट होते हैं, ये लोग गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादा प्रेफर करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के ऊपर इनका मेन मोटिव गवर्नमेंट कॉलेज होता है, तो उस पर ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए इसकी कटअप ज़्यादा हाई जाएगी, इतनी हाई जाएगी, इवन सीट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है इनकी तो भी। और बाकी हर ब्रांच का आप देख सकते हो कि एसटी के अंदर 3 लाख के अराउंड इसमें एडमिशन हो गया था, ईसी के अंदर, इसके अंदर, एससी के अंदर आपको 1.75 लाख के अराउंड इसमें एडमिशन हो रहा था। अब बाकी कॉलेज की बात करें, सूरत की बात करते हैं, 2017 का कॉलेज है, मतलब ये नेक्स्ट ईयर 2021 में इसका पहला बैच निकलेगा। इसके ऊपर अभी वीडियो मैंने नहीं बनाई है, इसकी वीडियो भी मैं जल्दी बना दूंगा। तो इसमें भी यार आपको 42K के अराउंड स्पोर्ट राउंड के अंदर लास्ट ईयर 42K के अराउंड इसमें एडमिशन हो गया था, और EWS की बात करो 50K के अराउंड गया था, OBC की 61K के अराउंड गई थी, और 2 लाख आपकी ST की गई थी। अब बात कर लेते पुणे की, पुणे में भी यार CSE में आपको अप्रोक्सीमेटली 26K के अराउंड गया है, 38K के अराउंड EWS में गया, 2016 का कॉलेज है पुणे। EWS 40K, 53K, 60K के अराउंड OBC को इसमें एडमिशन मिल चुका है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट IIIT की, जो भी हमारा धारवाड़ है, कर्नाटका के अंदर 2015 का है, और इसमें आप देख सकते हो 55K के अराउंड, 55 या 56K के अराउंड आराम से इसमें ईसी मिल रही है कॉलेज के अंदर, स्पोर्ट राउंड में लास्ट ईयर तक की गई थी, और ST में भी आपको OBC में भी 70K गया था, इसमें 2 लाख गई थी, और इसमें 3 लाख के अराउंड गया था, और इसके अंदर 1.8 लाख के अराउंड SC में गया CSE के अंदर, 55K के अराउंड CSE कट ऑफ के अंदर एडमिशन हुआ है। इवन आप जनरल की देख सकते हो, जनरल वालों की 44K के अराउंड इसमें एडमिशन हो रहा है, जनरल वालों को CSE मिल रहा है इतने रैंक पे भी। और IIIT नागपुर की बात करें यार, इससे पहला बैच इस साल निकल चुका है 2020 के अंदर, कोविड की सिचुएशन में पहला बैच इनका ग्रेजुएट हो गया है, तो इस कॉलेज का पहला कॉन्वोकेशन तो होगा नहीं, हम वैसे हमारा IIIT दिल्ली का ऑनलाइन कॉन्वोकेशन हो रहा है वर्चुअली, देखते कैसे जाएगा नेक्स्ट वीक है। तो 50K इसके अप्रोक्सीमेटली इसकी रैंक गई है, EWEC की बात करूँ 50K के अराउंड, और EWS की 56K के अराउंड इसमें एडमिशन हुआ है बंद होगा, OBC की 67K, इसकी 2 लाख, और इसकी 3.35 लाख के अराउंड के अंदर ST के अंदर लास्ट ईयर आपका CSAP राउंड में स्पोर्ट राउंड जो भी बोलना चाहते हो उसको हुआ है। IIIT वडोदरा भी यार काफ़ी सही कॉलेज है ये भी, पुणे भी सही था, इन सबके ऊपर वीडियो बना रखा है, IIIT वाले प्ले लिस्ट खोल लेना, हमारे चैनल पर भी जाना, कॉलेज ऑप्शन पर क्लिक करना, सब्सक्राइब कर देना, पहले तो इसको सब्सक्राइब कर दो, प्रेस बेल आइकन दबाओगे ना, बेल आइकन में ऑल दबा देना, ऑल होना चाहिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिले, और उसके बाद प्ले लिस्ट में जाना यहाँ से IIIT की, और IIIT की सारी वीडियो देख लाना। तो इसमें भी आप देख सकते हो 38K, क्योंकि मैंने आपको बताया काफ़ी अच्छा कॉलेज है ये भी, 38K है, और इन सब की मैंने प्रोस और कॉन्स दोनों डिस्कस की है, तो आप दोनों चीज़ें देख सकते हो प्रोस और कॉन्स। और इसकी 45K के अराउंड गया एडमिशन, 55K के अराउंड गया है, 2 लाख के अराउंड इसमें गया SC में, और इसमें 3.7 लाख के अराउंड आपका इसके अंदर ST वालों का एडमिशन हो रहा है। यार मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि जिन्होंने फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा, पार्ट 1, वो जाके देख लो IIIT का, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी टॉप 12 IIIT के ऊपर, वो रैंक वाइज था, ये रैंकिंग वाइज नहीं है। सोनीपत की बात करें, ये 2014 का कॉलेज है, इसको भी अभी जस्ट नया कॉलेज है, इसको भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ आपको, 7 साल भी नहीं हुआ इस कॉलेज को ढंग से देखा जाए तो। तो यार इसकी बात करें CSE की, तो 22K के अराउंड इसके अंदर एडमिशन अप्रोक्सीमेटली रैंक गई थी, उसके अंदर 30K के अराउंड इसमें जनरल वालों की गई थी। EWS की यार EIT के अंदर जो गई है हमारी 42K गई है, OBC की 50K के अराउंड गई है, और इसमें 2 लाख, उसमें 3.5 लाख के अराउंड भी है IIT की। और जितने भी IIIT होते हैं उसके अंदर क्या होता है, आपको या तो CSE मिलता है या तो EC मिलता है, किसी किसी में IIT मिल जाता है, वरना मैकेनिकल बहुत कम में मिलता है आपको, इनके अलावा और कोई ब्रांच नहीं होती IIIT के अंदर। नए सारे IIIT आप देख सकते हो, 2015 का IIIT आंध्र प्रदेश वाला जो हमारा करनाल का कॉलेज है, कर्नूल,
ये नया कॉलेज है, जो सारे हम देख सकते हैं मोस्टली 2010 के बाद के कॉलेजेस है या 8 के है, मतलब 10 से 12 साल में कॉलेज के, फिर भी इतने अच्छे हैं। तो इसलिए ट्रिपल आईटी को मैं पहले प्रायोरिटी देता हूँ, एनआईटी से ऊपर दिया जाता है मेरी नज़रों में। और इसमें 60K तक एडमिशन हुआ है, 60K तक, लास्ट टाइम मैंने 62K दिखाया था, इसमें मैकेनिकल 60K में मिला है और आपको ओबीसी वालों को 72K के अराउंड मिला है। इसको 2.5 लाख के अराउंड इसके अंदर मिला है आराम से एसटी वालों का। और ईडब्ल्यूएस को भी इधर 62K के अराउंड मिला है, ईसी की बात हो रही है, इसमें एससी वालों को 1.6 लाख के अराउंड आपको इसके अंदर एससी कैटेगरी में मिल गया है। अब बात कर लेते हैं ट्रिपल आईटी कल्याणी, जो कि कल्याणी जो है हमारा वेस्ट बंगाल के अंदर आता है, और यार इसकी भी जो कट ऑफ गई है 52K के अराउंड गई है। इसके सी एस सी की बात हो रही है, 52K के अराउंड सी एस सी मिल रहा है ट्रिपल आईटी के अंदर, यार ले लो जल्दी ले लो यार, 68K इसके अंदर मिल रहा है। 2014 का कॉलेज है, 2 लाख और 3.6 लाख इनकी आपकी सी आर एल रैंक दे रखी है। यू एन ए की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश का कॉलेज है जो हमारा यू एन ए ट्रिपल आई टी यू एन ए, और इसकी स्पोर्ट राउंड की बात करें यार 55K तक इसमें ई सी मिल रही थी कॉलेज के अंदर, ओ बी सी वालों को 71K तक ई सी मिल रही थी, और बाकी इसमें 4 लाख तक हमारी एस टी की गई है ई सी की भी, और इसमें भी, और इवन इसमें भी बात करोगे यार 2.2 लाख तक गई है एस टी के अंदर। EWS में भी लास्ट 57K तक इसमें एडमिशन हुआ था। तो अब बात कर लेते भोपाल की, और एक चीज़ और यार, स्पोर्ट राउंड ना पूरा होता है कि जो आपकी सीट बच जाती है, जो लेफ्ट सीट होती है, वेकेंट सीट होती है, उसके ऊपर ही होता है। अगर सीट नहीं बचती किसी ब्रांच के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर, तो आप उसके अंदर नहीं बैठ सकते। तो हर कॉलेज के अंदर नहीं होता, अगर कोई ब्रांच बच गई हो, एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच, जितने भी ब्रांच हो, उसके लिए लोग खोलते हैं। तो यार अगर भोपाल की बात करें तो सी एस सी के अंदर 30K के अराउंड गया है, ई सी में 48K के अराउंड गया है, और बाकी आप हर ब्रांच की देख सकते हो। एस सी की बात करूँ तो इसमें 2 लाख के अराउंड आपका एडमिशन हो रहा है इसके अंदर आई टी ई सी के अंदर, और इसमें 3.8 लाख तक गया अभी तक का सबसे ज़्यादा आई गेस एस टी के अंदर। अब बात कर लेते हैं ट्रिपल आई टी नया रायपुर के अंदर, जो मैंने आपको भुवनेश्वर वाला केस बताया था, बस इसमें भी अप्लाई होता है, ये एक ट्रिपल आई टी है ही नहीं, ये सब धोखा है, कहते ना प्यार व्यार सब धोखा है, वैसे ये ट्रिपल आई टी रायपुर ट्रिपल आई टी नहीं है, धोखा भाई धोखा, बच के रहना, ये जी एफ टी आई में आता है, ये इसको जी एफ टी आई कंसिडर किया जाता है, ट्रिपल आई टी किया जाता है। 2015 में कॉलेज बना है, मतलब काफ़ी नया कॉलेज है। इसके अंदर एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, इसके अंदर आपको 36 करोड़ वाले स्टूडेंट्स को अलग से रिजर्वेशन मिलती है, 50% है। फिर इसके अंदर जो जोसा के लिए जो बस्ती है वो 35% बस्ती है, क्योंकि एन टी पी सी का भी इनका अलग से रिजर्वेशन है। तो बाकी बात करें इसके अंदर भी आपको अप्रॉक्सीमेटली जूसा के अंदर 35% की बात हो रही है, 35% रिजर्वेशन है, मतलब 35% सीट है उसके अंदर भी, आपकी 32K के अराउंड ई सी मिला है, 50K के अराउंड आपको इसमें ओ बी सी मिला है, 2 लाख के अराउंड आपको 2.1 लाख के अराउंड एस सी और 2.3 लाख के अराउंड एस टी मिला है। अब बात कर लेते हैं ट्रिपल आई टी रांची की भी, ट्रिपल आई टी रांची 2016 के अंदर है, इसी साल इसका भी पहला बैच निकला है, कोविड के अंदर पहला बैच निकला है, उसके अंदर भी आपका 55K तक आपको एडमिशन हो रहा है, मतलब 55K के अंदर ई सी मिल रहा है, उधर 62 के अराउंड आपको मैकेनिकल का भी मैंने आपको दिखा रखा है, तो हर कैटेगरी का दिखा रखा है कि इसके अंदर 68K आपको गया है ई सी के अंदर, इसमें 2 लाख का आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, और इसमें 3.6 लाख का वेरिएशन आ रहा है। ट्रिपल आई टी रांची की बात करते हैं, ट्रिपल आई टी भागलपुर की बात करें यार, बिहार के अंदर कॉलेज 2021 का कॉलेज पहला बैच निकलेगा, इसके अंदर बात करें यार अप्रॉक्सीमेटली यार 78,000 तक 77,000 तक मैकेनिकल गया है, स्पोर्ट राउंड की बात हो रही है, मतलब 77 लाख, मतलब 1.25 लाख जिसको कहते हैं ना हम लोग, 1.25 लाख से ऊपर गया है इसके अंदर कट ऑफ। ओ बी सी की 85K के अराउंड गया है इसके अंदर, 2.5 लाख के अराउंड मेकाट्रॉनिक्स और 4.4 लाख के अराउंड गया है, ये अभी तक का है कि सबसे ज़्यादा हो गया एस टी के अंदर भी। अब मणिपुर की बात कर लेते हैं, मणिपुर की बात करें यार 80,000 तक ई सी मिली है इसके अंदर, 80,000 जनरल स्टूडेंट मणिपुर 80,000 के अंदर मिला है, और बाकी EWS 83,000, OBC आपकी 86 के अराउंड गई है, 2.5 लाख के अराउंड हमारी एस सी गई है, और 4.2 लाख के अराउंड हमारी एस टी की कट ऑफ गई है। अब जो हमारा आखिरी कॉलेज आता है वो ट्रिपल आई टी त्रिपुरा आता है यार, इसके अंदर जो हमारा एडमिशन गया वो 60,000 तक आपको ई सी एस सी मिला है अभी तक। अब जो बात करें सी एस सी में 60,000 हमारा से ज़्यादा है, बाकी 80K तक इसमें मैकेनिकल मिले ट्रिपल आई टी इसके अंदर बात करें तो। और ओ बी सी की बात करें 2018 का कॉलेज है ये, नोट करना 2018 का, मतलब 2022 के अंदर इसका पहला बैच ग्रेजुएट होगा,
तो ये 2 साल के अंदर इसके अंदर बाकी ब्रांचेस भी एड ऑन होगी। और ओबीसी की बात करें 70 के अराउंड, 70.5 के अराउंड गया है, और एसटी के हमारे 3.6 लाख के अराउंड गया है। तो ये सारी कटअप थी, मैंने आपको कैटेगरी वाइज एंड ब्रांच वाइज दोनों चीज़ें आपको बता दी है कॉलेज के अंदर। स्पोर्ट राउंड की सारी, वो भी सीसेफ राउंड की आपकी, तो सीसेफ राउंड की सारी कॉलेज की आपको पता लगे। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो इस वीडियो को लाइक कर देना, जाके जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, जो भी होता है लाइक का लोगो बना लेना, मेरी ड्राइंग बेकार है, तो ऐसे लाइक कर देना वीडियो को जाके जल्दी से। और कॉलेज ऑप्शन जो हमारा यूट्यूब चैनल है ना, इसको सभी अभी सब्सक्राइब कर लो, सबसे पहले सारी वीडियोस आपको वीडियो मिल जाएगी, और ऑल लगा देना बेल आइकन के अंदर ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ रहा है। तो इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और अभी अपनी काउंसलिंग की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।